प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं जो BCC बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे LRC का, तो अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यहां पे अमीन पोस्ट का एग्ज़ाम जो है 16 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वायरल किए गए, BCC बोर्ड को मेल भी किया गया, कई सारे लोगों ने अगले दिन जाकर रिटेन एप्लीकेशन भी दिया। उसके बाद वहाँ पे जो है, आपको कल के न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया था, जो दिया गया था कि FIR जो है दर्ज किया गया है, जो एयरपोर्ट थाना है पटना में, जहाँ पे BCC बोर्ड ऑफिस है, तो वहाँ पर केस FIR दर्ज किए गए जाँच के लिए, और उसका जांच का रिपोर्ट आया। और उसके बाद आज मॉर्निंग में जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है उसका अपडेट मैंने आपको दिया, उसमें जो चीज़ें बताई गई है वो तो आप लोगों ने देख ही चुके होंगे। अब यहाँ पे हिंदुस्तान पेपर में एक बड़ी अपडेट आपका दिया गया है, हिंदुस्तान पेपर में, जिसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। चलिए, क्या मामला है, क्या उसमें और डिटेल में दिया गया है, हम लोग पूरी जानकारी वहाँ पे देखेंगे, और BCC बोर्ड ने इसके बारे में क्या जवाब दिया है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान पेपर का आर्टिकल है आज का, जिसमें बताया गया है कि दावा अमीन परीक्षा पत्र लीक नहीं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है आपका कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद BCC बोर्ड ने दावा किया कि 16 अगस्त के अमीन परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। 4 से 16 अगस्त तक ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, यहाँ पे 17 अगस्त तक हुआ है, या 16 अगस्त तक ही लिखा गया है, और 16 अगस्त को यहाँ पे जो है स्क्रीन शॉट जो है वायरल हुआ था, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। पेपर का जो क्वेश्चंस है, पेपर परीक्षा का जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है, सिर्फ स्क्रीन शॉट वायरल हुआ था, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है, OSD अनिल कुमार ने बताया कि उस दिन की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। मतलब 16 अगस्त का जो पेपर लीक को लेकर कई सारे सोशल साइट्स पे आपका जो पेपर वायरल हो रहे थे, उसको लेकर यहाँ पे अनिल कुमार जो कि OSD हैं, इन्होंने जो है बताया है कि उस दिन का परीक्षा यानी 16 अगस्त का परीक्षा जो है रद्द नहीं की जाएगी, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे इनका कहना है, उन्होंने कहा कि बुधवार को बड़ी पहाड़ी स्थित KSM परीक्षा केंद्र में सिर्फ एक प्रश्न स्क्रीन शॉट लेकर किसी ने उसे वायरल किया है ना, जो KSM परीक्षा केंद्र है, सेंटर है, वहाँ से ये सिर्फ एक स्क्रीन शॉट वायरल किया गया है, ये यहाँ पे इनका कहना है। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक थी। परीक्षा समाप्ति होने के बाद एक अभ्यर्थी ने 2 से 2:30 बजे के बीच पार्षद कार्यालय में आकर इसकी सूचना दी। इसकी जांच की जा रही है, अभी और जांच चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जांच ख़त्म हो गया, बट अभी फ़िलहाल के लिए इनका यही कहना है कि जो एग्ज़ाम है वो रद्द नहीं किया जाएगा 16 अगस्त का। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने इतना ही बताया कि पेपर लीक है ना, जो वे व्यक्ति वहाँ पे सूचना देने गया था उसे पूछा गया तो बस वही यही बताया कि पेपर लीक है, जबकि वह सिर्फ एक प्रश्न का स्क्रीन शॉट दिखा रहा था ना, वो एक पेपर का स्क्रीन शॉट ही दिखा रहा था। जब उससे लिखित शिकायत मांगी गई तो उसने देने से मना कर दिया, जिसने भी शिकायत की थी उस सिर्फ परीक्षा रद्द करने की बात करता रहा, मतलब उसका सिर्फ यही काम था कि भाई परीक्षा को रद्द करना है एट एनी हाउ, चाहे जो हो जाए। वही कुछ देर बाद पार्षद के वेबसाइट पर वही क्वेश्चन आया,
इसमें वायरल की बात कही गई। उन्होंने बताया कि किसी ने लैपटॉप और अन्य माध्यम से उक्त प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर वायरल कर दिया है। आयोग इसकी निष्पक्ष जांच करेगा। इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, है ना। यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी और अभी किया जा रहा है, अपना इंटरनल मैटर जो है आपका चल रहा है। इसकी प्राथमिकी अगम कुआं थाना में दर्ज कर दी गई है। 4 अगस्त से 17 अगस्त तक लगातार अमीन भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा ऑनलाइन हुई है, ये यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। परीक्षा क्या हो रहा है ऑनलाइन, ऑब्वियसली हम लोग जान रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान पेपर में ये अपडेट दिया गया, जिसमें मतलब कहा गया है सिंपल कि आपका जो है जिस दिन का पेपर लीक को लेकर कई सारे मामले आ रहे थे सोशल मीडिया पे, आपको देखने को मिल रहा था। तो आप सिंपली समझिए कि आप अभी फ़िलहाल तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, आगे जांच की जा रही है। आगे क्या जांच के उपरांत प्राप्त होता है, क्या जांच के बाद मिलता है, उसके बाद ही आपको जो है पता चलेगा। तो ये हिंदुस्तान पेपर में कहा गया है, तो ये आप मान कर चलिए ये मेरी बात नहीं है, यहाँ पे जो पेपर में दिया गया है उस चीज़ को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ओके, बाकी जो भी आने वाले समय में अपडेट्स होंगे, जो भी BCCI बोर्ड की तरफ से नोटिस आएंगे, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।